हेलो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी कॉमन प्रॉब्लम प्यार में धोखा हाँ सॉरी आई शुड नॉट बी लाफिंग लाइक दिस बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें प्यार व्हाट इज प्यार प्यार होगा तभी तो धोखा होगा प्यार क्या है प्यार इज जब आपको कोई इतना भा जाता है कि आप अपने आप को टोटल सरेंडर कर देते हो और हमें क्या लगता है हमें लगता है कि हमने किसी को देखा हमें कोई बहुत सुंदर लगा बहुत अच्छा लगा उसकी आवाज़ पसंद आई उसके बोलने का तरीका पसंद आया उसका कुछ भी क्वालिटी पसंद आई और वी हैव फॉलन इन लव विद हर और हिम दैट इज़ नॉट प्यार तो वो क्या है ट इज अट्रैक्शन वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक रीजन उसकी एक क्वालिटी के पीछे हमने हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है विच इज नॉट रॉन्ग विच इज नॉर्मल नेचुरल बट वी शुड नॉट नेम इट एज लव वो प्यार नहीं है और अगर वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यार में और अट्रैक्शन में अगर वो प्यार है जो आपको किसी से हो गया है किसी से भी तो प्यार में तो आपने पूरा टोटल सरेंडर कर दिया सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी खुशियों को मार दिया आपकी इंसल्ट होती रहे नहीं प्यार का मतलब है आपने जैसा सामने वाला है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लिया ठीक तो उसके अंदर धोखा देना झूठ बोलना मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे नहीं कर रहा है ये करता है वो करता है तो कंप्लेंट्स तो होते ही नहीं है प्यार में प्यार में ना कंप्लेंट्स होंगी प्यार में ना ब्रेकअप होगा प्यार में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ खटर पटर हो जाती है हो सकता है दिन के बाद रात होती है रात के बाद फिर दिन होता है बट पहले उसको एनालाइज करो इज दिस लव बहुत आसानी से हम बोल देते हैं आजकल आई लव यू आई लव यू विदाउट रियलाइजिंग द मीनिंग ऑफ लव ठीक तो अगर हम समझेंगे बहुत ध्यान से कि लव क्या है एंड वेदर वी आर इन लव विद समबडी आर वी आर वी हैव गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड समबडी तो ये जब हम डिफरेंस समझ लेंगे तो हम uh, ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमें किसी से प्यार है या इट इज मेर एन अट्रैक्शन ठीक अभी दूसरा क्वेश्चन प्यार कितनी बार होता है प्यार कितनी बार भी हो सकता है द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल मैं तो वेन एवर आई सी मैंगोज राइपिंग आई फॉल इन लव jab spring aata hai i fall in love when i see flowers i fall in love with them when i see birds chirping i fall in love with them so the nature is so beautiful you can fall in love any number of times okay so first you need to realize whether it is love or attraction thank you